नमस्कार दोस्तों, सादत हसन मंटो ने लिखा था कि कोठे के एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज़्यादा होती है। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा। सादत हसन मंटो ब्रिटिश भारत में जन्मे एक बदनाम लेखक थे। दोस्तों इमेजिन कीजिए, जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हों और तभी आपके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक फ़ोटो या वीडियो क्लिप के साथ कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर एक समय के लिए आप भी चौंक जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्यों ना इस मैसेज को दूसरे के पास भी भेजा जाए। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही पल आप इस मैसेज की सच्चाई जाने बिना दूसरे के पास सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको कुछ समय बाद आपकी इसकी सच्चाई पता चले, क्योंकि जो भी मैसेज आपने कई लोगों के पास शेयर किया है दरअसल वो फेक मैसेज था। दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता है, वो मैसेज कई लोगों के पास सर्कुलेट हो चुका होगा और उस फेक मैसेज का इम्पेक्ट हमारे समाज पर बहुत बड़ा हो सकता है। वैसे देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और दूसरा है कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों के दो प्रजातियां हैं, एक है अंधभक्त और दूसरा चमचा। इन दोनों पार्टियों के एक बड़ा समूह काफ़ी देश में सक्रिय है, जिसे आप आईटी सेल के नाम से भी जानते होंगे। वैसे दुनिया में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सभी के पास लोगों को गुमराह करने के लिए एक टीम होती है। इसका काम होता है उस ऐसे मैसेज को सर्कुलेट करना जिससे लोगों को लगे कि इनकी जो सरकार है वो सही दिशा में काम कर रही है। ये लोग आपको पूरी जानकारी से अनजान रखते हैं, अधूरा ज्ञान देकर, और आप इस पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं। ये लोग बड़ी आसानी से आपके भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। वैसे 27 दिसंबर 2015 को देश में जियो आया और देश के सभी लोगों को फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया। सिम लेने के साथ साथ कई किलोमीटर की लंबी लाइन रोज लगती गई। इसी के साथ कुछ ही दिनों में जियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जियो ने कुल एक महीने में 16 मिलियन सिम पूरे भारत में बांटे थे। इंटरनेट के फास्ट स्पीड ने काम को आसान बनाने के साथ साथ लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव लाया। सोशल मीडिया का विस्तार हुआ और इसी के साथ देश में डिजिटल क्रांति आई और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला बीजेपी को। चूंकि देश में राम मंदिर का मुद्दा सदियों पुराना था, जिसे कांग्रेस सरकार ने दरकिनार किया, लेकिन बीजेपी ने हिंदुओं के इसी कमजोरी को आधार बनाया। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को दबाकर राम मंदिर के मुद्दे को पूरे देश में उठाया। यदि इस समय भारत की बात करें तो यहाँ भी इन राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा समूह सक्रिय है और इनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कई सालों से इनके काम को और आसान बनाते हैं कुछ इस तरह से, अपने टाइम और पैसे गवाकर। दोस्तों एक फोटो के साथ एक मैसेज सर्कुलेट की जाती है जिसमें लिखा था, राहुल गांधी और कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद में गए थे। लेकिन जब इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये तो सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर प्रदर्शन था। ऐसे ही कुछ दिन पहले इसी तरह के मैसेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि किसी पाकिस्तानी कंपनी ने बीजेपी को लाखों रुपए का चंदा दिया था। कई लोग ये भी दावा कर रहे थे कि बॉन्ड तो पाकिस्तान की कंपनी ने खरीदा था लेकिन दिया कांग्रेस को। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है? इसे जानने के लिए मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको सर्च करना है, कैन एनी फॉरेन कंपनी बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द रूल्स, प्रिंस सिंह। इसे लिखकर आप सर्च कीजिए और मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह के कई फेक मैसेज शेयर किए जाते हैं। इस फेक मैसेज का इम्पेक्ट हमारे समाज पर बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों इसके जरिए समाज में मतभेद पैदा किया जा सकता है। इसके जरिए किसी भी समाज को जातीय और धार्मिक रूप से भड़काया जा सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और बिना कुछ समझे फेक मैसेज को सर्कुलेट करते हैं और कहीं ना कहीं आप इनके झांसे में आ जाते हैं। यूं कहें तो आप इनके बिछाए जाल में कई सालों से फंसे हुए हैं। अब बारी है इस जाल से निकलने की और इसे समझने की। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं प्रिंस और आज मैं आपको बताऊंगा आईटी सेल होता क्या है, काम कैसे करती है, राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल कैसे करती है। दोस्तों देखा जाए तो आईटी सेल एक प्रकार का माया जाल होता है, जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। एक हॉलीवुड मूवी आई थी मैट्रिक्स, कई लोग इस मूवी को देखे होंगे। जितनी जल्दी आप इस मूवी को समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आप आईटी सेल को भी समझ जाएंगे। दोस्तों आईटी सेल वैसे तो एक प्रचार करने का दस्ता होता है, कौन से उत्पाद अभी बनने जा रहे हैं और कौन से बाजार में आ चुके हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये सब बताने के लिए ही आईटी सेल का गठन किया गया था। आसान शब्दों में अगर समझें तो आईटी सेल एक समूह होता है जो ऑनलाइन अपने समूह, संगठन और पार्टी की अच्छी अच्छी खबरों का प्रचार करता है। मतलब आईटी सेल अपने समूह को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन तरीके से उसका प्रचार प्रसार करता है और प्रचार में केवल यह संगठन की अच्छी अच्छी खबरों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। दोस्तों देखा जाए तो अब इसको सिर्फ राजनीति के लिए ही उपयोग किया जाता है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अब देश में हालत ही ऐसा हो गया है। कोई भी न्यूज चैनल आप देख लीजिए, मोदी और बीजेपी दिखेगा, कहीं ना कहीं सच्ची खबरों को दबाया जा रहा है। लगता है प्रेस की स्वतंत्रता सिर्फ नाम मात्र का रह गया है, चौथे स्तंभ को तोड़ दिया गया है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है।
देश में रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, भ्रष्टाचार भी था, लेकिन इतने युवा बेरोजगार नहीं थे और अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। YouTube, Facebook, Insta, Twitter जहां भी देखो हर जगह इनका जाल बिछा हुआ है, क्योंकि IT सेल का सबसे अहम काम ही होता है आपको वास्तविक दुनिया से दूर ले जाकर एक भ्रम वाली दुनिया में सैर कराना। IT सेल आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपको आपकी रुचि की चीज़ें दिखाकर आपका ध्यान आकर्षित करेगा और फिर धीरे धीरे वही आपको सही लगने लगेगा। सीधे शब्दों में इसको ब्रेन वॉश करना भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन वॉश तो आतंकियों का किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी प्रकार IT सेल वाले भी अपना समर्थक बनाने के लिए हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। कभी झूठी खबरें दिखाकर, कभी छोटी छोटी क्लिप काटकर, कभी झूठी कहानियां बनाकर, तो कभी मनगढ़ंत कहानियां लिखकर। आश्चर्य की बात है कि आप बिना कुछ सोचे इनकी बातों पर आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं और धड़ल्ले से फेक मैसेज को एक दूसरे के पास सर्कुलेट करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।